नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है और उसके निर्देशों को पालन करने के लिए कहा जाता है तो पूरे भारत देश में लागू हो जाता है। उस जजमेंट को हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट माने पुलिस वाले, पूरे भारत में वो लागू हो जाएगा और उसका पालन करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि भारत की जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उससे उनको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, मैं एक ऐसे जजमेंट के विषय में ही सुप्रीम कोर्ट की बात करने जा रहा हूं जिससे भारतवासियों को बहुत बड़ा लाभ मिला है और समाज में उनको एक अच्छे तरीके से बिहेव करने का भी मौका मिला है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और लीगल एडवाइस की आप लोगों को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग, वीडियो थोड़ी बड़ी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मैटर है और ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसकी इम्पोर्टता बढ़ती ही चली जाएगी, तो आप लोग अगर सही से ना देख सकें तो लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप लोग जरूर दोस्तों देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बना रहा हूँ बहुत ही खोजबीन करके, बहुत हिसाब से बना रहा हूँ, तो आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ, होता क्या है दोस्तों कि पुलिस अधिकारी को एक विशेष अधिकार दिया गया है, एक पावर दिया गया है। वो पावर क्या है? गिरफ्तारी का। गिरफ्तारी का मतलब यह है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो जिस आरोप में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किया है किसी व्यक्ति को, उस पे आरोप सिद्ध करने के लिए पुलिस अधिकारी को सक्षम भी होना चाहिए। ये नहीं कि गिरफ्तार तो कर लिए हैं अब आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या होता था कि समाज में जिसको गिरफ्तार कर लिए हैं उसकी तो बदनामी हो गई, क्योंकि जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, वो कुछ किया है तो नहीं किया है तो, ये आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं कि किया है तो नहीं किया है तो, गांव, रिश्तेदार, मोहल्ले में हर एक जगह ये बदनामी हो जाती है कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। मगर नहीं, पुलिस वाले गिरफ्तार तो कर लेते हैं पर आरोप सिद्ध नहीं कर पाते हैं, जिससे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को समाज में काफ़ी निंदा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ने 2014 के एक मामले में यह जोड़ा गया कि जहां अपराध 7 वर्ष से कम है या 7 वर्ष तक कारावास से दंडित है, चाहे जुर्माने के साथ हो या विदाउट जुर्माने की हो, उस पे अगर किसी को गिरफ्तारी करना है, गौर से सुनिएगा दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा था कि वीडियो आगे बहुत इम्पोर्टेंट है, अब आप लोग यहाँ पे गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट आप समझ लेंगे तो सही है। तो क्या है कि जैसे कोई मैटर होता है जिस मैटर में 7 वर्ष से कम की सजा है या 7 वर्ष तक दंडनीय है, तो उसमें 41A CRPC के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। पुलिस अधिकारी को आरोपी को एक निर्दिष्ट स्थान और समय पर उसके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश नोटिस जारी करना आवश्यक है। यदि आरोपी नोटिस की शर्तों का पालन करता है तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक दर्ज किए जाने वाले कारणों पुलिस अधिकारी के राय में गिरफ्तारी आवश्यक न हो। मतलब कि तब तक गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक उसमें कि मेन कारण न पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों में ये ना हो जाए कि नहीं, इसको गिरफ्तार करना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध है। तो इस बात के लिए कि 7 वर्ष से कम की सजा में पुलिस किसी को गिरफ्तार ना कर सके, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन लीजिए, मेन निचोड़ में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि फैसले की प्रति मुख्य सचिव के साथ साथ सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों को भेजी जाए ताकि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस महानिदेशकों और सभी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार
को भेजी जाए ताकि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग गई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा आगे और शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर किसी भाई को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, अगर उसको नॉलेज हो गया है तो वो इस दिक्कत से बाहर आ सकें कि पुलिस कभी भी गिरफ्तारी करने के लिए आपके पास आती है। तो आप इस चीज़ को पूछ लें कि क्या हम इस चीज़ में, किस चीज़ पे हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, आप पूछ लें कि पूरे हकदार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 2014 में, जिससे आम पब्लिक को दिक्कत हो रही थी उसे देखते हुए ही इसका निस्तारण निकालने के लिए ही जजमेंट आया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।